हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ बहुत ही रोमांचक ट्रैकिंग पर जो हमने दिसंबर के महीने में की थी। और ये थी चोपता से तुंगनाथ, और तुंगनाथ के बाद 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला पीक पर। सो ये ट्रैकिंग काफ़ी मज़ेदार थी हमारे लिए। सो मैं आपको बता देता हूँ ऋषिकेश से चोपता जाने का रूट। सो ऋषिकेश से हम चले थे और देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर, और ये वो श्रीनगर ये वो जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ये उत्तराखंड में श्रीनगर है। सो श्रीनगर पर ही हमने रुक कर लंच किया था, काफ़ी अच्छा खाना था वहाँ पे। फिर वहाँ से हम श्रीनगर से चल के रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर जो हमारा कैंप था चोपता से 7 किलोमीटर पहले था, वहाँ पर हम रात के करीब 8 बजे पहुँचे। और हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी दिल्ली से। सो दिल्ली से हम बस पकड़कर ऋषिकेश पहुँचे, और ऋषिकेश से हमने बाइक रेंट पर ली, और हमने अपना सफ़र सुबह 10 बजे स्टार्ट किया था, और हमारा कैंप चोपता से 7 किलोमीटर पहले था। सो चोपता तक, ऋषिकेश से चोपता के डिस्टेंस मान लीजिए तो आप 150 से 200 किलोमीटर के करीब है। सो हमें ये डिस्टेंस कवर करने में काफ़ी टाइम लग गया, और हम लगभग रात के 8 बज गए, और 8 बजे हम अपने कैंप में पहुँचे। और एक्चुअली क्या हुआ था, कैंप पहुँचने से पहले मान लीजिए 6 से 7 किलोमीटर हमें बताया गया था कि इसे वहाँ से मतलब नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, तो हमें अपना कैंप खोजने में भी काफ़ी परेशानी हुई। बट एट लास्ट हम अपने कैंप में पहुँच गए, और कैंप में पहले से एक ग्रुप था जो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के बंदे थे वो, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, काफ़ी अच्छी दोस्ती भी होगी कि ये तो। और उन्होंने हमें बताया कि मतलब वो अपनी ट्रैकिंग सुबह 4 बजे शुरुआत करने वाले हैं, वो हमें भी बोल रहे थे, लेकिन चूंकि हम काफ़ी थक चुके थे, सुबह से ही हम ड्राइविंग कर रहे थे, तो हमने उन्हें बोला नहीं। तो फिर हम खा पी कर अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। अरे आप देख सकते हैं ये टेंट काफ़ी खूबसूरत था, और ये वॉशरूम काफ़ी अच्छा था, पानी इसका काफ़ी ठंडा था, मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये सो रहे हैं रोशन रोशन, थोड़ा मुंह दिखा दो अपना। ये पूरा सारे तैयारी के साथ, बहुत नींद लग रही है मुझे, मैं सोने जा रहा हूँ। और गुड नाइट। मेरा फेस भी देख लो, घुमा लो मेरे उत्तर पश्चिम दौरा क्या कैसे घूमता है। अच्छा मेरे ही दिखाओ, हाय। तुम्हारा चेहरा दिख ही नहीं रहा है, तुमको लाइट उधर है ना। अच्छा ठंड हो गया बहुत, ग्लोव व्लोव सब कुछ रखे हैं। ये शायद टेम्परेचर 0 0 डिग्री होगा, जीरो डिग्री होगा ना। जीरो है, हमें इस साल अभी -10 पे जाना है। जीरो है, और कल सुबह हमें -10 पे जाना है। नेक्स्ट देखते हैं कल तक का प्लान क्या है। ओके गुड नाइट। सुबह हमारी नींद खुल गई 4 बजे के करीब, क्योंकि उसी टाइम पर वो बंदे जा रहे थे ट्रैकिंग के लिए, तो हमने सोचा कि हम भी चलते हैं। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि रात में ट्रैकिंग करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी लेकिन हमने सोचा चलते हैं। तो हम 4:30 बजे तक तैयार हो गए, और वहाँ से चोपता की दूरी 7 किलोमीटर थी। सो हमें अपने बाइक से वहाँ जाना था। सो एक्चुअली रात्रि के समय काफ़ी टेम्परेचर कम था, तो बाइक पर हमारे बर्फ़ जम गई थी। ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअली ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, बट ऐसा ही सेम बर्फ़ जमी हुई थी। तो ये सब सही करके काफ़ी मेहनत के बाद हमारी बाइक स्टार्ट हुई, और फिर हम चल दिए रात में ही 4:30 बजे। और मतलब रास्ता काफ़ी काफ़ी कठिन था, और कहीं कहीं पर बर्फ़ जमी हुई थी रास्ते पे ही हल्की हल्की, तो बाइक स्लिप कर रही थी। तो काफ़ी हमें बच के हम गए, और रोड के किनारे किनारे आप देख सकते हैं कहीं कहीं बर्फ बर्फ भी जमी हुई दिख रही थी, तो हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि ऊपर तो काफ़ी मतलब मज़ा आने वाला है। तो फिर हम चोपता पहुंच गए, और उसी रात में हम अपना बाइक लगाने के लिए खोज रहे थे, जगह हमें मिल नहीं रही थी पार्किंग कहीं, मीन्स बाइक अपनी कहाँ खड़े करें। तो कहीं हमने एक जगह देखकर अपनी बाइक खड़ी कर दी, और हम ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े।
और ये काफ़ी काफ़ी रोमांचक होने वाला था। कुछ दूर जाकर जब हम गए तो ऊपर से दो तीन लोग आ रहे थे और वो काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटेड थे, और वो बोल रहे थे कि काफ़ी कठिन है आगे, मतलब रास्ता ऐसा है कि ऊपर हम जा ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ क्या हुआ था कि बर्फ़ जमी हुई थी और वो काफ़ी मतलब उसमें से पानी निकल रहा था, वो काफ़ी स्लिप कर रहा था, तो वो वहाँ से आके जा ही नहीं पाए और वो वापस आ गए। और उन्होंने हमें भी मना किया कि आप भी मत जाओ, बट हमने सोचा कि हम ज़रूर जाएंगे। सो हमने सोचा कि अब इसके लिए हमें एक लकड़ी खोजनी पड़ेगी, तो आसपास ही हमने लकड़ी खोजी और हम उन रास्तों पर चल दिए। तो हम वहाँ पहुँचे और वहाँ एक्चुअली वाकई में बहुत काफ़ी स्लिपरी थी, तो हम भी वहाँ से आगे नहीं जा पा रहे थे। तो हमने फिर देखा कि बगल से, हमने सोचा कि बगल से देखते हैं, तो बगल से तो वहाँ से हमने पैरों के निशान देखे, तो हम सोचे कि चलो हम चलते इधर से चलते हैं। तो उधर से हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम आगे बढ़ चले। हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पर बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। और ये नज़ारा पीछे का, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। और हम इस रास्ते से आ रहे हैं और अभी हमें यहाँ से जाना है ऊपर तक, और अभी भी 1 किलोमीटर बचा हुआ है टुंगनाथ पहुँचने के लिए, और वहाँ से फिर चंद्रशिला। बहुत दिक्कत है बर्फ़ की वजह से, कहीं कहीं बर्फ़ पिघल रही है तो चढ़ाई में दिक्कत होती है। सांस मेरा फूल रहे। ओके ओके, रुक बाय। काफ़ी मतलब रोमांचक और काफ़ी आप कह सकते हैं डेंजरस डेंजरस, लेकिन ये वर्थ था, वर्थ। जब हम चंद्रशिला पहुँचे तो हम आपको बता नहीं सकते। चलिए अब देखते हैं, आप एक बार ज़रूर जाइए इस ट्रैकिंग पे, एक बार आप ज़रूर जाइए मेरे हिसाब से। तो हम रास्ते से तो हम जा नहीं रहे थे अब, तो हम यहीं बीच बीच में ही पैर धसा धसा कर सिम से आगे बढ़ रहे थे, तो कहीं कहीं हम रास्ता भी पकड़ ले रहे थे जहाँ जहाँ पर रास्ता थोड़ा अच्छा था। तो यही करते करते हम तुंगनाथ पहुँचे, और तुंगनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर हमें और जाना था, और वहाँ पर बीच में एक जगह ऐसा आ गया कि अब हमें लगा कि अब हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, मतलब काफ़ी थक चुके थे हम एक तो, और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई भी दुकान नहीं थी, और एक बोतल पानी हम बस लिए हुए थे और खाने का ज़्यादा सामान भी नहीं था, तो हम काफ़ी थक चुके थे तब तक। लेकिन अंततः हम लोग चंद्रशिला पीक पर पहुंच गए, और वहाँ पे जो नज़ारे हमें देखने को मिले मैं आपको बता नहीं सकता, काफ़ी काफ़ी अच्छा, काफ़ी आकर्षक। मतलब जो हमने मेहनत की थी उसका हमें क्या आप उसे कह सकते हैं इनाम मिल गया, तो बहुत ही अच्छा। अब हम पहुंच गए चंद्रशिला जो 4000 फीट के, मैं घंटी बजा रहा हूँ, रुको। आराम से थोड़ा व्यू भी दिखा दो साथ चारों ओर को। और वापस आने में हमने काफ़ी मस्ती की मैं तो मतलब काफ़ी हमने तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, हम ऐसे ही बर्फ़ में स्लिप कर रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे, अपना खूब मस्ती कर रहे थे। और उस समय तक काफ़ी भीड़ हो चुकी थी क्योंकि बहुत लोग नीचे सब आने लगे थे, क्योंकि हम जब हम वापसी कर रहे थे तो लोग ऊपर जा रहे थे। तो ये था हमारा चंद्रशिला ट्रैक, काफ़ी एडवेंचरस, आप भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर जाएँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।